नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज था हमारा जूम ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे लोगों के डाउट यहाँ पर क्लियर किए हैं। दरअसल दोस्तों, क्या होता है जब आप काम करने जाते हो शेयर मार्केट के अंदर, तो कुछ ना कुछ डाउट आपके रहते ही हैं, क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे डाउट आते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलते कि यार इसको क्या करना है। तो वो सारी बातें हम जूम मीटिंग के माध्यम से आपकी क्लियर करते हैं, जिसके माध्यम से आप डाउट क्लियर करने के बाद और भी अच्छी एफिशिएंसी के साथ में, और भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आप काम कर सकें। ठीक है, तो इसमें वीडियो के माध्यम से मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं कि कल साहब है मंडे, यानी कि मार्केट का वीक का पहला दिन, और इसके बाद सर आपका 15 अगस्त आ रहा है, यानी कि मार्केट का होलीडे रहने वाला है। तो क्या ऐसे माहौल में आप कैसे ट्रेडिंग करेंगे, और मार्केट का जो चाल रहेगा वो कैसा रहेगा, और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी जो मार्केट में आपने देखा होगा, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपका एक साइडवेज मार्केट दिन भर चला था। उसके पीछे मेन रीजन सर यही था कि मार्केट में छुट्टियां आ रही, हॉलीडे आ रहे हैं, तो फ्राइडे के बाद एक सैटरडे, संडे, मंडे को एक दिन का हॉलीडे कोई भी ले सकता है कंपनी में, तो उसका छुट्टी माना, और मंगलवार फिर से छुट्टी। यानी कि सर सीधी सी बात है कि लोग है ना चार चार दिन को हॉलीडे मना रहे हैं। अब ऐसे माहौल में मंडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो आपको क्या लगता है कि मार्केट ट्रेंड वाइज चलेगा? मार्केट के अंदर हो सकता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर मार्केट साइडवेज चले, और हो सकता है मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं रहे, और अगर मूवमेंट अगर आया तो भाई काफी अच्छी बात है। लेकिन सर आपको देखिए क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, वो सारी बातें हम चेक करेंगे, और मार्केट कितना जा सकता है, मार्केट के अंदर मूवमेंट कितना रह सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो न्यू शुरू करते हैं। पीरियड यहाँ पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ चार्ट के ऊपर। देखिए मैंने ब्लैंक चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। ब्लैंक चार्ट मैंने इसलिए ओपन कर रखा है ताकि आपको हर चीज क्लियरली यहाँ पर समझा सकूं। अभी तक सर जो आपका मार्केट का ट्रेंड चल रहा था, कुछ इस तरह से मार्केट का ट्रेंड आपका चल रहा था, ये देखिएगा। ठीक है, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर देख क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, यानी कि मार्केट यहाँ से ब्रेक हो चुका है, डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर यहाँ पे शुरू हो चुका है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब क्या हुआ कि साहब मार्केट के अंदर जब डाउन ट्रेंड शुरू होता है, ब्रेकआउट जब मार्केट देता है, तो एकदम मार्केट नहीं गिरता, मार्केट थोड़ा इसको रिवर्स करता है, ब्रेकआउट उसको बोलते हैं, ब्रेकआउट रिवर्सल। तो इस कैंडल मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने का मार्केट देखिए रिवर्सल लिया, और लगातार 3 कैंडल का यहाँ पर रिवर्सल मिला। इसके बाद अगर आप चेक करें तो लगातार जो आपकी कैंडल जनरेट हो रही हैं उसके अंदर देखिएगा, आपका हर बार मार्केट आपका लोअर ब्रेक कर रहा है, लोअर ब्रेक करके एक नया लो यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब लेकिन साहब यहाँ पर एक चीज बनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिएगा, मार्केट के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कैसा यहाँ पर पैटर्न रहता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ पर ओपन कर लिया है, और दो पैरेलल लाइन यहाँ पर देखिएगा ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर आप चेक कीजिएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से क्रॉस करके मार्केट ने एक हेड बनाया, हेड बनाने के बाद फिर से एक शोल्डर यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मार्केट अभी शोल्डर के आसपास यहाँ पर चल रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज नोट कीजिएगा, अभी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट अगर आएगा तो भी मार्केट ने, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट की ऊंचाई थी, उसी तरह मार्केट ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक की मार्केट के अंदर नीचाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट का सपोर्ट रहने वाला है, ये वाला। ठीक है, यानी कि अभी मार्केट के अंदर काफी कुछ बचा है, मार्केट के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, अब भाई हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सा हमें ये करना है कि मार्केट के अंदर अगर ब्रेकआउट अगर आ जाता है, मंडे को ब्रेकआउट आ जाए, मंडे को अगर नहीं आया तो मतलब जैसे वेडनेसडे को, थर्सडे को, जब भी ब्रेकआउट आ जाए भाई मार्केट आपको काफी ज्यादा मूवमेंट देने वाला है। ये चीज आप लिख के रख लो, नोट कर लीजिए इस चीज को। अगर लेकिन यहाँ ब्रेकआउट नहीं आता तो क्या होने वाला है, अगर जैसे कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं देता, इस लाइन पे मार्केट अगर सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि मान के चलिए कि यहां से अगर मार्केट आपका सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाता है, तो क्या होगा, इस लाइन, इस कैंडल का जो न्यू हायर लो है पीरियड ये ब्रेक करना
करना चाहिए, इसके बाद ही आप यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर मतलब बड़ी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन सर मुझे लगता है यहाँ पर मार्केट के अंदर टोटल डाउन ट्रेंड रहने वाला है, लेकिन अगर साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर अगर आया तो वो कैसे आएगा देखिए बता देता हूँ। अगर जैसे कि मान चलिए मंडे दिन मार्केट ओपन हुआ और मार्केट जैसे कि ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपको कैंडल जनरेट करके दिया, ये वाली कैंडल एक मैं बना के देता हूँ, सपोज कीजिए ऐसी कैंडल आपकी जनरेट हुई ये वाली कैंडल, ठीक। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस कैंडल के अंदर क्या करेगा, जब मार्केट साइडवेज होगा तो ना ही आपका जो कैंडल आपका जनरेट हुआ है ये वाला, मैं इसको पहले नप्ती कर लेता हूँ उसका, देख लेता हूँ पूरा, ये देखिएगा इसके लोअर पॉइंट मैंने लगा दिया और हायर पॉइंट में यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर मार्केट को साइडवेज चलना होगा तो ना तो ये लोअर तोड़ेगा ना हायर पॉइंट तोड़ेगा, मार्केट बीच में चलेगा, समझ जाना मार्केट साइडवेज है। लेकिन अगर मार्केट को अगर ट्रेंड वाइज चलना होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल के लोअर पॉइंट को तोड़ देगा। लोअर पॉइंट कितना है, 44,392 का आपका लोअर पॉइंट है। अगर ये ब्रेक हुआ तो डेफिनेटली मार्केट एक तरफा चलेगा, मार्केट टोटली गिरेगा और पुट ऑप्शन के अंदर आपको काफी ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब सब बात आती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें कैसे क्या काम करना है, क्या हमारे सपोर्ट रहेंगे, क्या हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों देखिएगा कि मार्केट में है ना अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 44,300 का आपका सपोर्ट लेवल बन रहा है, यानी कि थोड़ी 44,300 की जगह मैं इसको एक ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि अगर नीचे ज्यादा होंगे तो दिक्कत आपको आएगी। अभी करंट की प्राइस के हिसाब से 44,400 के आसपास आपका सपोर्ट लेवल है, लेकिन 44,400 अगर ब्रेक होता है, थोड़ा मार्केट नीचे आता है, थोड़ा सा ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, कि ऐसा नहीं करना कि लेवल जैसे ब्रेक हो गया 10 पॉइंट नीचे आकर ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं करते। क्या होता है कि ब्रेकिंग जो लेवल होते हैं उनके 5-10 पॉइंट मार्केट ऐसे घूम जाता है, तो वहां पर कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन 44,400 का मार्केट का एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है, जो अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें हो सकता है मार्केट 44,300 से लेकर 44,100 तक मार्केट आपको मूवमेंट दे दे, तो काफी एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये डाउन साइड की बात मैंने की है, लेकिन अगर यहाँ पर अपर साउंड अगर आया, मतलब अपर साइड अगर मार्केट जा रहा है, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड आया, तो हमें कैसे पहचानना है, देखिएगा मार्केट के अंदर जब तक मार्केट आपका 44,600 के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट के अंदर कोई भी अपर ट्रेंड नहीं है, यह मार्केट का जो ट्रेंडिंग होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें बन रही है। जैसे देखिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मार्केट आपका लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ से चला था, तो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ से देखिएगा इसका हायर पॉइंट थोड़ा ऊपर था, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका हायर पॉइंट टच किया, न्यू पीरियड हायर पॉइंट टच किया, हायर पॉइंट टच किया, इस तरह से मार्केट चला। क्या होता है मार्केट छोटा मोटा अगर एकदम पीक दे देता है तो उसको मार्केट में ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग उसमें ब्रेकआउट नहीं बोलते उसको, ठीक है। पीक मतलब होता है कि स्कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देना, वो पीक कहलाता मार्केट का। लेकिन इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया, सॉरी इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, वो मार्केट का ब्रेकआउट कहलाता है। तो यहां से यहां तक कोई यहां पर ब्रेकआउट मिला क्या, नहीं मिला। उसी तरह अगर मार्केट मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 44,600 के नीचे अगर रह रहा है और 44,400 के बीच में अगर मार्केट रह रहा है, तो मतलब मार्केट के अंदर कोई भी यहां पर कोई बड़ा ट्रेंड नहीं मिलने वाला। लेकिन मार्केट अगर 44,600 अगर ब्रेक कर जाता है ऊपर में और 44,400 नीचे में ब्रेक कर जाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के काम करना है, और मार्केट के अंदर यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट आपको यहाँ तक दिखाई देगा। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसका कैलकुलेशन करके लगभग इसका पॉइंट कितना रहेगा, 43,350 तक लगभग मार्केट आ सकता है अगर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट आया तो, ठीक है। सभी चीजें क्लियर है यहाँ पर, तो भाई इस तरह से आपको काम करना है और काम करने के बाद आपको पैसा बनाना है। आशा करता हूँ सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर कैसे पता करें कि मंडे के दिन मार्केट गिरेगा कि बढ़ेगा। और सर एक कुछ चीज बता दूं, मार्केट साइडवेज अगर चल रहा है, साइडवेज पहचानने का तरीका ये सिंपल सा होता है कि जैसे कि मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में लेके आ गया, और यहाँ पर देखिएगा मार्केट की पहली कैंडल आपकी काफी ज्यादा बड़ी बन गई।
अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, बैंक निफ्टी का जो पर डे का मूवमेंट होता है वो लगभग 250 से लेकर 400 पॉइंट का मूवमेंट पर डे का होता है। अब लेकिन क्या होता है, अगर पहली कैंडल आपकी काफी ज्यादा बड़ी बन जाती है तो इसका मतलब होगा लगभग पहली कैंडल यहाँ पर देख सकते हैं आपका लगभग 250 पॉइंट की आपकी कैंडल जनरेट हुई थी, इसका मतलब मार्केट आपका साइडवेज रहने वाला है। क्योंकि मार्केट जो दिन भर के अंदर मूवमेंट देगा वो पहले कैंडल में दे दिया, अगर ऐसा होता है तो उस दिन समझ जाना मार्केट साइडवेज रहने वाला है। ऐसा मार्केट के अंदर ही चीज़ें होती हैं, इसी मैंने ऑब्जर्व करी है, खुद ट्रेडर हूँ इसलिए सब चीज़ मुझे पता है भाई ऐसी चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। और आप भी जब मार्केट में ट्रेडिंग करते होगे तो आपको उसे पता होगा कि मार्केट के अंदर जो बड़ा मूवमेंट आपको पहले कैंडल में हो जाता है पर दिन भर मार्केट आपको पे तड़पाता तरसाता है लेकिन फिर आपको पैसा नहीं देता, ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। अब लेकिन ये बड़ी सी जो कैंडल का मूवमेंट था इसका जो क्लोजिंग था यानी कि हम ब्रेकआउट था वो यहां पर मिला था। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट क्या करता है, रिवर्सल लेता है। ये देखिए मार्केट ने रिवर्सल लिया और यहां से देखिए फिर से मार्केट नीचे न्यू आ गया, पीरियड ठीक है। अब यानी कि भाई चांसेस क्या है मार्केट के डाउन आने के हैं, लेकिन यहां पर चेक करना है कल क्या होता है। कल क्या करेगा मार्केट, या तो क्या करेगा मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या क्या लेवल रहेंगे मैंने आपको बता ही दिए। ऊपर में लेवल कितना है, 44,600 के ऊपर नहीं जा सकता अगर मार्केट ऊपर भी गया तो, और डाउन अगर गया 44,400 अगर ब्रेक किया मार्केट लगभग काफी ज्यादा आपको प्रॉफिट देके जाएगा। और एक और चीज बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ पर अभी ऑफर चल रहे हैं सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो जो भी दोस्त हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग आपको सामने रिवील कर देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा आपको सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाती है हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप जैसे आते हो तो प्राइसिंग के ऑप्शन पे जाओगे सारी आपको प्राइसिंग मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर सभी चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पर देखिएगा मंथली प्लान आपका, लाइफ टाइम प्लान, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो लाइफ टाइम जो स्टैंडर्ड वर्जन प्लान है इसके अंदर 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है, जो आपको 24,500 की चीज़ है अभी करेंट में आपको 15 अगस्त के ऑफर में आपको मिल रही है लगभग 15,500 रुपये की। तो इसको आप जरूर यूज कीजिएगा अगर आप चाह रहे हो कि मैं आप स्मार्ट ट्रेड सिस्टम का सॉफ्टवेयर परचेज करूं, इसकी मैं यहाँ पर मेंबरशिप लूं, तो भाई बिल्कुल आपका स्वागत है, ऑफर में आप इस चीज को ले सकते हो, काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको आपको मिल रही है, ठीक है। तो दोस्तों सपनों को साकार कीजिए स्मार्ट ट्रेड सिस्टम के साथ में, और इस सॉफ्टवेयर का आप यूज करके इजिली हजारों नहीं लाखों रुपए पर डे कमा सकते हो। और ये सारी बातें सर मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, मेरे डेली बेस पर अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो वहां पर ये चीजें मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ करके, उनको आप देख सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं सब यहाँ पर जूम मीटिंग के थ्रू अपने डाउट यहाँ पर क्लीन करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं सबके सामने, यानी जो भी आपके डाउट हो सबके बीच में आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सर आपको मैं दे रहा हूँ मार्केट के अंदर, जो कि आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करेगा इंडिया के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन हर वीडियो के अंदर आपको क्या दिखाया जाता है कि यहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ था और उसने साफ टारगेट दे दिया, लेकिन ये सिग्नल कैसे जनरेट हुआ था, उस टाइम पे क्या क्या हुआ होगा मार्केट के अंदर, क्या आपका उस टाइम पे एंट्री प्राइस होगा, क्या कंडीशन होगी, ये बार रिप्ले करके कोई नहीं बताता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम आपको बता पाते हैं क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में क्वालिटी है, और क्वालिटी है तो हमें दिखाने में कोई ऐतराज नहीं है। हमारा आप लाइव डेमो देख लो या फिर हमारे वीडियो देख कर लो, सभी जगह हम आपको पारदर्शिता रखते हैं, हर चीज आपको क्लियर बताते हैं। तो बिल्कुल हमारा लाइव डेमो देख सकते हैं अगर आपके डाउट हो तो, वो क्लियर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर परचेस करके आप हमारे जूम मीटिंग सेशन में भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी आपके जो भी डाउट होंगे शेयर मार्केट के रिगार्डिंग पूरे क्लियर किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आगामी वीडियोस के अंदर यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको शेयर मार्केट के पूरे कोर्सेज आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, यानी कि न्यू शेयर पीरियड मार्केट की ABCD से लेकर हाई लेवल तक सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आगामी मेरे वीडियोज के अंदर। तो इसलिए वीडियो अभी मतलब कि लाइक करो, चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। सभी आपको बताएंगे ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी ऐसा ऐसा हो जाएगा, लेकिन लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपको प्रूव करके दिखाई जाएंगी बिल्कुल आपके लिए काम करती हैं। और जैसे कि मुझसे कुछ लोगों ने बोला था सर अभी आप मतलब कि बहुत दिन से आपने आपका प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मंडे से मैं सर ये कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ पर डे, हर दिन मैं आपको लाइव मार्केट में मेरा जो ट्रेडिंग होगा वो भी मैं वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा,
लेकिन किसी कारण बस उसका अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ तो उसका जितना प्रॉफिट, जो प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके यूट्यूब के माध्यम से वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी मैं अपना स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो सारी चीज़ें आपको सामने बिल्कुल शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तो ये चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा जो कि इंडिया के अंदर कोई चीज प्रोवाइड नहीं करेगा, और जो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है सर वो आप वहां से चेक कर सकते हैं, लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड करके सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों अभी चैनल को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और हमारे ऑफर का आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।